हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे से हो। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और नए फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा फ्रेगरेंस रिव्यू है वो है अहमद अल मगरीबी ब्रांड के एक बहुत ही अच्छे फ्रेगरेंस के ऊपर, जिसका नाम है बिन शेख। मैंने जब अपनी पिछली यूट्यूब शॉर्ट वीडियो की थी तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था। आप लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने मुझे कहा था कि ये फ्रेगरेंस का आप जल्दी रिव्यू करो। तो मैंने जब इसे अपने पे ट्राई किया तो वाकई में दोस्तों, बॉटल वाइज, खुशबू वाइज एक बहुत ही सॉलिड परफ्यूम बनाया इन्होंने, जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसकी खुशबू कैसी है, प्राइस क्या है और भी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ दोस्तों, कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और एक लाइक एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए, ताकि यूट्यूब थोड़ा इसे और आगे प्रमोट करे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अहमद अल मगरीबी जो ब्रांड है दोस्तों, एक दुबई बेस्ड ब्रांड है। ऑल ओवर गल्फ कंट्रीज़ में इनके स्टोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं दोस्तों। इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है, एक्सक्लूसिवली मेरी वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएंगे दोस्तों। और इनके मैं कोशिश करूँगा कि और भी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैं अवेलेबल करूँ अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी वाइज जो है बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते दोस्तों ये अपनी क्वालिटी में। खुशबू बहुत ही डिफरेंट, यूनिक, बड़े बड़े महंगे महंगे परफ्यूम्स को ये मार्क देते हैं दोस्तों। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि इस परफ्यूम का एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट है, मैं आपको वो एंड में बताऊँगा। तो ये वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस परफ्यूम के प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो ये जो है दोस्तों, एक महंगे एक्सपेंसिव टाइप के बॉक्स में आता है दोस्तों। बॉक्स आप देख लो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपको कोई नॉर्मल सा परफ्यूम मिल रहा है, लेकिन इतने बड़े बॉक्स में आता है। एक आउटर बॉक्स है, अंदर एक और बॉक्स है। बॉक्स के ऊपर जो है रैगजीन का काम किया हुआ है दोस्तों, और जो बॉक्स ऐसे ओपन होता है उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बॉटल फिट बैठती है। बॉटल में भी दोस्तों इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बॉटल जो है हाई क्वालिटी, हाई क्लास क्रिस्टल। एक इनकी कैविटी देखो बॉटल की, इसका जो क्राफ्टिंग है वो देखो, डिज़ाइन आप देखो कितनी प्यारी खूबसूरत लगती है। जूस कलर जो है दोस्तों गोल्डन, जो ये बॉटल पे ट्रांसपेरेंट बॉटल में हैंड पॉलिश टाइप की बॉटल दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त लगती है। कैप जो है मेटल का है, कैप के ऊपर अहमद अल मगरीबी का नाम लिखा है दोस्तों। बॉटल पे एनक्राफ्ट किया हुआ है बिन शेख, और नीचे भी अहमद अल मगरीबी का लोगो मेंशन है दोस्तों। अब ये जो है दोस्तों, ये फ्रेगरेंस कैसी है। तो ये जो है दोस्तों एक स्वीट, फ्लोरल, ओरिएंटल, वुडी, इंसेंसी टाइप की फ्रेगरेंस है। ओरिएंटल फ्रेगरेंस जो होती है दोस्तों वो बिल्कुल अलग, यूनिक, और उसमें जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही एग्जॉटिक होते हैं, जैसे एग्रोवुड का नोट हो गया, हमारे इंडियन स्पाइसेस के नोट्स हो गए, इंसेंस के नोट हो गए, ओकमोस का नोट हो गया, लैवेंडर का नोट हो गया दोस्तों। तो वैसे एग्जॉटिक नोट जो है वो रखते हैं। ये बिल्कुल अलग होती है हमारी फ्रेंच परफ्यूम से, जो फ्रेश फ्रेगरेंस होती है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये जो होती है वार्म, सेंशुअल और स्ट्रॉन्ग टाइप की फ्रेगरेंस होती है दोस्तों, और एकदम यूनिक कैरेक्टर होता है इसमें। तो ये जो है आपको मैं इसके नोट्स में सारे स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि नोट्स जो है ज़्यादातर ये मेंशन नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स परफ्यूम में बनाने में लगते हैं। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ये नोट्स के ज़रिए बताते हैं। जो मुझे मेरे तजुर्बे से एहसास हुआ दोस्तों इस फ्रेगरेंस में, जो नोट्स मुझे आई वो आती है हमारी केसर की, सैफ्रॉन की नोट आती है, रोज़ की, गुलाब की खुशबू आती है। इसमें मुझे लावेंडर का नोट आता है दोस्तों, इसमें मुझे एग्रोवुड का नोट आता है, शुगरी कैरमलाइज कॉटन कैंडी नोट आता है, और इसमें एम्ब्रॉक्सन का नोट आता है। साथ में दोस्तों वाइट मस्क और ड्राई एम्बर का नोट भी मुझे मिला। और ये फ्रेगरेंस जो है दोस्तों बहुत ही पावरफुल, परफॉर्मेंस वाइज ज़बरदस्त फ्रेगरेंस लगी। अब जो लावेंडर होता है दोस्तों, उसकी खुशबू जो होती है वो फ्लोरल सी, हर्बली और एक एवरग्रीन टाइप की खुशबू होती है, वुडिश टाइप की खुशबू होती है। साथ में जो ओकमोस का नोट होता है, ओकमोस जो होता है एक नेचुरल नोट होता है दोस्तों, जैसे ग्रीन काई होती है ना सरफेस पे, जो ग्रीनरी होती है, तो उसमें कैसी आपको एक वुडिश, एक सेंशुअल, एक लेदरी नोट आता है, वैसी खुशबू आपको इसमें मिलेगी। साथ में जो जैस्मिन का नोट होता है दोस्तों, जैस्मिन तो आप सबको पता है एक फ्लोरल सेंशुअल टाइप की अरोमा होती है, थोड़ी इसमें मस्कीनेस आती है, एनिमलिश जो नोट होती है वो आती है। तो वो सारा इसमें कंबाइन करके बनाया गया है दोस्तों। और इसमें सबसे अच्छे नोट्स जो है वो है अपने शुगरी कैरमलाइज कॉटन कैंडी के नोट दोस्तों, और साथ में जो बखूर इंसेंस का नोट है वो कमाल का इसमें काम किया गया है दोस्तों। एकदम मीठा इंसेंसी एग्रोवुड का नोट आता है, धूप का नोट आता है, जो ये फ्रेगरेंस को बहुत कमाल का करता है दोस्तों। अब ये जो है दोस्तों, इन्होंने इस ऐसा बनाया है कि ये पूरा एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, मेंस वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसे 5 स्प्रे अपने पे किए थे, तो इसकी जो परफॉर्मेंस मुझे मिली वो 6 से 7 घंटा स्किन पे मिली। कपड़ों पे मैं लगाता हूँ तो 10 से 15 घंटा के बीच में ये फ्रेगरेंस रहता है। स्ट्रॉन्ग टाइप का फ्रेगरेंस है, प्रोजेक्शन इसका
दो फीट तक आता है, दो से तीन घंटे तक, उसके बाद ये सेंट बबल क्रिएट करता है। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों, जो उसमें नोट्स इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए, सबसे ज़्यादा जो एम्ब्रॉक्सिंग का काम किया गया है इसमें, उसमें ऐसा लगता है कि जब भी आपके आसपास से हवा आएगी तो ये फ्रेग्रेंस फिर से वो महकेगा और आपको वो स्ट्रॉन्ग इंसेंसी वुडी अरोमा और फ्लोरल अरोमा मिलती है, जो सभी के आपके आसपास के लोगों को भी आएगी इंप्रेशन जमाने के लिए। दोस्तों ये फ्रेग्रेंस बहुत ही कमाल का है, सिग्नेचर सेंट टाइप का फ्रेग्रेंस है, यूनिक फ्रेग्रेंस है और सभी को पसंद आएगा दोस्तों। इसमें जो स्वीट कैरेमलिश नोट है वो बहुत ही कमाल के लगते हैं दोस्तों। ये फ्रेग्रेंस की लॉन्जिविटी आपको मैंने बता दी दोस्तों, इस फ्रेग्रेंस का आपको मैंने पूरा ब्रेक डाउन करके बता दिया। तो ऊपर थोड़ा लेमनी थोड़ा सिट्रसी नोट आता है, बाद में आपको वो शुगरी कॉटन कैंडी का नोट आता है और बाद में आपको वो इंसेंसी बखूर का स्वीट ड्राई एम्बरी नोट भी आता है दोस्तों। तो ये फाइनल थॉट्स मैं अगर आपको इसके बताऊं दोस्तों कि ये फ्रेग्रेंस कैसे किन लोगों को पसंद आएगा, तो जो मिडिल ईस्टर्न टाइप के फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं, उनको ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो है ये 90 ml की साइज़ में, लेकिन इन्होंने जो अल्कोहल वॉल्यूम रखा है आप देख सकते हो नीचे, अल्कोहल वॉल्यूम जो है वो सिर्फ 45% है, यानी इसमें आपको वो अल्कोहल की ब्लास्ट नहीं मिलती, वो आपको हार्शनेस नहीं मिलती, बल्कि आपको एक बहुत ही अच्छा फीलिंग देता है फ्रॉम द टाइम आप इसे अप्लाई करते हो, वो रबिंग अल्कोहल का नोट इसमें आपको नहीं मिलता। तो ये बहुत ही खास बात लगी इसकी। अब इसकी जो प्राइस जो दाम है आपको बता दूँ दोस्तों, ये 90 ml की बॉटल है, फुल बॉटल की कॉस्ट जो है वो है 6,850 रुपीस। अब ऐसी प्रेजेंटेशन में ऐसी खुशबू आपको मैं गारंटी से बता दूं दोस्तों, अगर कोई दूसरा ब्रांड रखता है तो कम से कम 12,000 से 15,000 के बीच में मिलेगा, लेकिन ये जो है बहुत ही डिसेंट प्राइस है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त, लॉन्ग लास्टिंग, मिडल ईस्टर्न वाइब और एकदम यूनिक नोट्स रखे दोस्तों। लेकिन फिर भी मेरे तजुर्बे से मुझे जो लगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन सबकी स्किन फिटिक पे जो खुशबू है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट महकती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, इसके सैम्पल्स भी अवेलेबल है, 5 ml का डीकैन आपको हाई क्वालिटी बॉटल में मिलेगा जिसकी कीमत है 500 रुपीज़। आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप वो सैम्पल ट्राई करो, उसके बाद ही आप फुल बॉटल परचेस करने में जाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेग्रेंस कैसी है। अब जो मैंने आपको बताया था दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में कि वीडियो आप लोग ये पूरी एंड तक देखना, तो ये जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉपुलर, अच्छे और सभी को पसंद आने वाली एक फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है MFK बकारूच रूश 540। उसकी तरह महकता है, लेकिन इसमें इन्होंने बखूर का एग्रवुड का एक टच, बहुत ही ट्विस्ट दे दिया है जो बहुत ज़बरदस्त लगता है। क्योंकि MFK में दोस्तों आपको वो शुगर कैंडी की जो कैरमलाइज नोट आती है, DNA पकड़ता है वो आता है, उसी की तरह तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें इन्होंने अपना ही खुद का एक टच रखा है जो बहुत मुझे यूनिक लगा और वो मिडिल ईस्टर्न वाइब आपको मिलता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा रिव्यू इस बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंस के ऊपर, बहुत कमाल का फ्रेग्रेंस लगा दोस्तों मुझे, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना जब भी आप इसे यूज़ करो, या आपने अगर इस ब्रांड के कोई और फ्रेग्रेंसेस यूज़ किए तो मुझे उसके बारे में भी ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशबू फैलाते रहिए और अपनी भाई की वीडियो आगे बढ़ाते रहिए। स्टे सेफ और अल्लाह हाफिज़।